friends, good morning and welcome back to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine. So friends, this is day 5 of our epic road trip from Toronto to Vancouver. And हम लोग कल रात को, जैसे मैंने बताया था, कैलगरी पहुंच चुके थे. कैलगरी से अभी हम लोग यहाँ पे बैंफ का जो रास्ता है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं. कैलगरी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इनिशियली हम लोग कैलगरी टू बैंफ जाएंगे. बैंफ में एक दो जगह जो हम लोग देख सकते हैं वहाँ पे जाके रिटर्न टू कैलगरी एंड विल सी कैलगरी नाइट लाइफ एंड वट एवर पॉसिबल दैट वी कैन सी वो हम लोग देखेंगे. फिलहाल आप लोग अभी यहाँ का एक ब्यूटीफुल जो साइट सीन हम दिख रहा है ऑन द वे टू बैंफ, जो कि काफ़ी अच्छा है, वो एक बार आप चेकआउट करके आ जाए. दोस्तों, कैनेडियन रॉकी माउंटेन रेंजेस जो है दो प्रोविंस से होके गुजरता है, जैसे कि अल्बर्टा और दूसरा है ब्रिटिश कोलंबिया. ये जो आइस माउंटेन रेंजेस है, इसके ऊपर आप जैसे देख पा रहे हो आइस कैप है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक टोटल लेयर ऑफ आइस उसके ऊपर है. और क्योंकि यहाँ पे इतने हाई एल्टीट्यूड पे है ये, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमेशा स्नो रहता है और हमेशा जो टेम्परेचर है वो माइनस में ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स, जो वर्ल्ड फेमस ग्लेशियर्स है, एथाबास्का ग्लेशियर, वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. और यूजुअली ये पब्लिक के लिए भी एक्सेसिबल है एंड टूरिस्ट लोग वहाँ पे आके फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं. आप ग्लेशियर के ऊपर आप जा सकते हो, लेकिन अब पता नहीं अभी के वेदर के हिसाब से अभी हमें अलाउड है या नहीं, बट डेफिनेटली अगर मुझे उसका एक ग्लिम्स मैं आपको दिखा पाऊँगा तो ज़रूर मैं उसका एक पिक्चर लेके आपको ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगा, जो कि एथाबास्का ग्लेशियर है एंड बैंफ साइड ऑफ ग्लेशियर फेड विथ लेक लुइस, जो कि ग्लेशियर का जो पानी जो लेक लुइस पे जाता है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा. दोस्तों, हम लोग फाइनली यहाँ पे बैंफ पहुँच चुके हैं. बैंफ में हम लोग आके फिर जाके बैंफ होटल में लेके हम लोग जितने सल्फ माउंटेन पर जाने वाले हैं, लेकिन फिलहाल बेस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं. बैंफ तक पहुँच चुके, आपको पीछे बैंफ का साइन भी दिख रहा है आपको. यहाँ से हम लोग आगे जाएंगे और आगे की वीडियो आप लोग जरूर बने रहिएगा. आपको आगे की वीडियो में ऊपर सल्फ माउंटेन से जो ऊपर से जो नज़ारा है वो आपको दिखेगा. सो स्टे ट्यून्ड. तो दोस्तों, ये है यहाँ पे टिकट काउंटर. यहाँ से हम लोग टिकट ले सकते हैं और टिकट का जो कॉस्टिंग है ये अप्रॉक्सीमेटली $50 to $60 पर अडल्ट के लिए होता है
एंड चिल्ड्रन अंडर 5 के लिए फ्री है। यहाँ से आप केबल कार के जरिए एकदम टॉप पे जहाँ पे सल्फर माउंटेन है वहाँ पे आप जा सकते हो, और इसको कहते हैं बैंफ गोंडोला। और ये जो बैंफ गोंडोला है उसका मैं आपको एक 360 डिग्री व्यू देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वेदर काफ़ी बुरा होते चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्नो गिर रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी है, हम लोग टॉप पे जाने की पूरी कोशिश करेंगे। बट बहरहाल ये जो है इतना 360 डिग्री व्यू आप देख सकते हो, चारों तरफ से यहाँ पे पहाड़ों से घिरा हुआ है ये जगह, और ये काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी सीनिक जगह है ये। और आप जैसे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, एंटर करते बराबर यहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी चेक होता है जहाँ पे हम हमारे टिकट्स वगैरह वो वेरीफाई करते हैं, और जैसे ही वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको अंदर जाने के बाद तुरंत आप गोंडोला के लिए आपको एंट्रेंस मिलता है, एक डिफरेंट वे है ताकि आप गोंडोला में पहुँचे। वहाँ पे वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं था इसलिए मैं ले नहीं पाया, बट जितना हो सके मैं उतना कवर करने की कोशिश करता हूँ। गोंडोला का एंट्रेंस यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो एक एक केबल कार जैसे आता है, एंड यहाँ पे आने के बाद ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस अगर फैमिली हो तो आप फैमिली इकट्ठा आप जा सकते हो यहाँ पे, अदरवाइज इंडिविजुअली एक एक गोंडोला के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग अभी बैंफ गोंडोला में पहुँच चुके हैं, और ये ऊपर जाने वाले हैं, ऊपर एकदम टॉप पे सल्फर माउंटेन है, सल्फर माउंटेन के ऊपर जा रहे हैं, एंड वहाँ से पूरा रॉकी माउंटेन्स का एक अच्छा खासा व्यू आपको दिखेगा। एंड लेट मी जस्ट ट्राई टू गेट सम ग्लिम्स। हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं, छोटी यहाँ पे है, यहाँ पे सब लोग व्यू लेने के इसमें है। आपको अच्छा आसेस का एक व्यू आपको देता है, वो आप एक बार चेकआउट करके आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग टॉप पे पहुंचते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी डेस्क वगैरह सब यहाँ पे है, आपको यहाँ पे साइन बोर्ड्स भी दिया जाएगा कि आप कहाँ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से व्यू पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशन डेक है, फायर पिट्स है, सो आप क्या क्या कर सकते हो वो आपको क्लियर कट डायरेक्शंस भी है। और यहाँ पे जैसे हम लोग अभी ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के बाद वहाँ से बाहर निकलने का एक अच्छा सा एक व्यू पॉइंट भी आपको दिखेगा, सो हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमने जब पढ़ा था, हमने इसके बारे में रिसर्च किया था, हमें कहा गया था कि आप ऊपर जाना है वहाँ से ही आपको क्लियर व्यू मिलेगा। सो लेट्स गो टू द टॉप। यहाँ से आप देख सकते हो अमेजिंग व्यू ऑन द टॉप एंड ऑब्जर्वेशन डेस्क। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा लैंडमार्किंग्स दिया हुआ है, कहाँ जाना है, पूरा एरिया का जो मैप है वो दिया है, किसी को कोई तकलीफ ना हो इसके वजह से। एंड ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये है द वेरी फेमस सल्फर माउंटेन, एंड जो टॉप पे आप देख रहे हो वो एक एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन था पुराना, और वहाँ तक जाने का एक रास्ता यहाँ पे है। सो ये हमें क्रॉस करके ऊपर तक जाना है, ये थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, बट लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस। आप जैसे देख रहे हो अभी भी स्नो गिर रहा है, सो पता नहीं कितना मैं पॉसिबल कर पाऊँगा वहाँ तक जाने का, लेकिन मैं पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। एंड अभी हम लोग बाहर निकलते हैं, बाहर आते आप जैसे देख रहे हो धूप भी है एंड बर्फ गिर रहा है, दोनों भी साथ में है, सो इट्स अ काइंड ऑफ अ चिली एनवायरनमेंट। मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और आप देख सकते हो फ्लैग भी इतने ज़ोरों से हवा यहाँ पे चल रहा है, बट काफ़ी ठंडी है, एंड उतना ही एक्साइटमेंट भी यहाँ पे है हम सबको। ये जो है पूरा वुडन फ्लोरिंग है, इन्होंने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, इसलिए कोई स्लिपरी का चांसेस नहीं, बट बहरहाल अगर आप आगे जाते हो जैसे आप देख सकते हो एंजॉय सल्फर माउंटेन बोर्ड वॉक, प्रॉपर फुटवेयर इज़ रेकमेंडेड, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने अभी फ़िलहाल मेंटेनेंस नहीं किया है, क्योंकि इतना स्नो गिर रहा है, अगर स्नो रुक जाता तो फिर कुछ तो मेंटेनेंस होता था, लेकिन नहीं, स्नो तो रुकने का नाम ही नहीं है, सो वैसे हम भी नहीं रुकने वाले। लेट्स सी, ये है कंप्लीट ओवरव्यू, ये करीब 6 to 7 माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे, उसमें से एक माउंटेन रेंज के ऊपर हम लोग अभी जाना चाहते हैं ये बोर्ड वॉक के थ्रू, एंड लेट्स सी कितना हो सकता है। सो दोस्तों हम लोग ये निकल पड़े हैं बोर्ड वॉक के ऊपर, एंड मैं इतना प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी जो छोटी है सिर्फ अभी 3 साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये बोर्ड वॉक के ऊपर हमारे साथ चलने की पूरी कोशिश कर रही है, शी इज़ टेकिंग दैट एफर्ट, आई एम सो प्राउड ऑफ हर। एंड वाइफ भी साथ में, हम लोग पूरी तरह से विंटर गियर में हैं, एंड अगर कोई आना चाहता है ये टाइम पर डेफिनेटली विंटर गियर के साथ ही आए, क्योंकि बहुत ही ठंडी है। यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, इसलिए हर एवरी 100 मीटर पे आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा एक स्पॉट मिलेगा जहाँ पे आप बैठ के आप थोड़ा आराम कर सकते हो, एंड देन यू कैन कैरी फॉरवर्ड एंड आपकी जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हो।
सो दोस्तों हम लोग फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं, सल्फर माउंटेन के एकदम टॉप पे है। आपको मुझे ये वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आने के बाद मेरा माइक थोड़ा ख़राब हो चुका है, बट मैं पूरी कोशिश करता हूँ वॉइस ओवर दे के एटलीस्ट वो फील आपको वापस दिलाने के लिए। बट यहाँ पे टॉप इतना ज़ोर से हवा चल रहा था कि हमें, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे खुद को ही सुनाई नहीं दे रहा था। सो पता, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ माइक लेके बोलने के, पता नहीं कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा था। एंड बाद में जब घर पे आके रिकॉर्ड करके देख रहा था, सो मेरा यार इतना टॉप पे जाने के बाद वॉइस चेक नहीं किया। बट एनीवेज इट वाज अ वेरी वंडरफुल फीलिंग। एंड इसके टॉप पे आप देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल है, ये पूरा फॉग से कवर्ड हो चुका था जब हम लोग गए थे। एंड बीच बीच में सन आता है, लाइक सनलाइट आपको दिख रहा है, फॉग जाता है, फिर से सनलाइट आता है, एंड देन वापस फॉग आता है। इट वॉज मेसमराइजिंग। और एकदम टॉप पे आने के बाद आपको इतना काम सेंसेशन मिलता है क्योंकि आपको उसके सामने आने के बाद ऐसा लगता है कि आप इनके सामने कुछ है ही नहीं, लाइक नेचर के सामने आप कितने छोटे हो। इतना ब्यूटीफुल वास्ट एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इतना वास्ट माउंटेन पीक्स है जो कि एकदम गगनचुंबी कह सकते हैं, एकदम स्काई के ऊपर जा रहा है, बादलों से कवर्ड है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस और मैं इसका बहुत अच्छा व्यू आपको लेके आ रहा हूँ, आप एक बार चेक करके आना। दोस्तों ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये अराउंड 7486 फीट अबाउ सी लेवल है और यहाँ पे आने के लिए आप इधर आप गोंडोला ले सकते हो या तो फिर आप हाइक करके ऊपर आ सकते हो। और यहाँ पे ऊपर आने के बाद आप जैसे जो ग्रीन कलर का जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, ये है ऑब्जर्वेशन डेक। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, बोर्ड वॉक्स और हाइकिंग ट्रेल्स भी मिलेगा। दोस्तों इसको सल्फर माउंटेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो लोअर स्लोप्स हैं वहाँ पे दो सल्फरस हॉट स्प्रिंग्स पाया जाता था, जिसके वजह से इसका नाम सल्फर माउंटेन ऐसे रखा गया है। सल्फर माउंटेन के ऊपर से आपको यहाँ पे बो वैली एंड टाउन ऑफ बैंक भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा रहेगा और यहाँ से जो उसका जो व्यू है बहुत ही खूबसूरत है। एंड आप जैसे देख सकते हो, मुझे पता नहीं वीडियो में कितना क्लियरली आपको दिखाई दे रहा रहेगा, बट इट्स स्टिल स्नोइंग एंड अभी भी फॉग है जिसके वजह से व्यू थोड़ा सा डल दिख रहा रहेगा। बट अगर यहाँ पे ब्राइट सनलाइट होता तो ये काफी खूबसूरत सा एक व्यू आपको यहाँ पे दिखाई देता था। दोस्तों इसके अलावा सल्फर माउंटेन के ऊपर दो रिसर्च फैसिलिटीज भी बनाए गए थे। इन 1903 यहाँ पे एक मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग भी बनाया गया था एंड इन 1956-57 यहाँ पे एक सल्फर माउंटेन कॉस्मिक रे स्टेशन बनाया गया था टू स्टडी कॉस्मिक रेज एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर एंड इट इज नाउ अ नेशनल हिस्टोरिक साइट ऑफ कैनेडा। तो फ्रेंड्स हम लोग फाइनली बैंफ जाके गोंडोला पे जाके ऊपर सल्फर माउंटेन पहुँचे, ऊपर जाके पीक पे पहुँच के वहाँ का एक खूबसूरत सा व्यू देखा हमने। पूरे रॉकी माउंटेन्स को आप ऊपर टॉप से बहुत ही अच्छी तरीके से आप व्यू कर सकते हो, बट प्रॉब्लम एक ही आता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है क्योंकि एक अल्टीट्यूड पे आप जा रहे हो, 7400 फीट अबाउ सी लेवल है आप, तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा ठंडा रहेगा वहाँ पे। एंड हमने पूरा विंटर जैकेट, पूरा विंटर गियर पहना था, फिर भी हाथ वगैरह सब कांप रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा वहाँ, बहुत तेज़ हवा है वहाँ पे। सो आप लोग अगर कोई जा रहे हो वहाँ पे तो डेफिनेटली उसके हिसाब से प्रिपेयर करके जाना, बट अदरवाइज इट्स वर्थ वाइल आप यहाँ पे हो तो एक बार जाना वर्थ है। एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, गो एंड गो ऑन टॉप ऑफ गोंडोला एंड सी द सल्फर माउंटेंस, बहुत ही खूबसूरत है। एंड एक बार हम लोग वाइफ है मेरा भाई, उनसे भी पूछते उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। शिल्दा हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? इट वाज ऑसम। वर्थ गोइंग देयर, वर्थ टेकिंग द एफर्ट? इट्स एक्चुअली अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, सो या इट्स टोटली वर्थ इट। ओके रेडी? इट टुक मी 4 डेज टू रीच, बट इट्स एक्चुअली वर्थ इट। इट्स एक्चुअली वर्थ इट, वर्थ द ट्रैवल। या वर्थ ऑफ इट। And how about the travel on top of the mountain, like going on top with all the steps and everything? I've never climbed any snowy mountain. This is my first experience. First experience. It was good. Okay. तो आप लोगों ने देखा सबको बहुत अच्छा लगा था। यहाँ तक पहुँचने का जर्नी थोड़ा टायरसम था जैसे कि मेरे भाई ने बताया, लेकिन फिर भी इट इज़ वर्थ कमिंग हियर। द
तीन चार दिन का, लेकिन कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट फ्लाइट लेके टोरंटो से आप चाहे तो बीसी आ सकते हो या विनिपेग आ सकते हो एंड वहाँ से या कैलगरी आ सकते हो, कैलगरी से आप बाय रोड आ सकते हो, तो आपका डिस्टेंस कम पड़ेगा। लेकिन हम लोग टोरंटो से ही रोड ट्रिप करके आए हैं ताकि कुछ ज़्यादा और अगर जगह है तो हम लोग वो एक्सप्लोर कर सकते थे, तो वो सोच के हम लोग आए थे एंड वी वॉन्टेड ए रोड ट्रिप अ लॉन्ग वन, सो विच वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टू हैपन। फाइनली ये सक्सेस हो गया है और हम लोग यहाँ तक आ गए। लेकिन अभी आपको आने वाले ब्लॉग्स में ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके आगे भी बहुत सारे जगह हैं हम लोग जहाँ जाना चाहते हैं, जैसे कि लेक लुइस जो कि सबसे सीनिक जगह है, वहाँ जाना है हमें, हमें जास्पर जाना है, उसके बीच में बहुत सारे दूसरे सीनिक लोकेशंस है, ड्राइव पॉइंट्स है, ड्राइव थ्रू पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग रुकने वाले हैं। सो ये सब आपको अगले आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखेगा। सो फ्रेंड्स, मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने वाला हूँ। एंड करने का मतलब ये नहीं कि हमारा ट्रिप खत्म हो रहा है, आवर ट्रिप इज स्टिल ऑन और हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि बैंफ में ही है, बैंफ में लेक लुइस आ रहा है, जैस्पर माउंटेन्स आ रहे हैं या आइस फिल ग्लेशियर्स आ रहे हैं, ये सारे इस सब का मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ और ये सब मेरे चैनल में आने वाले ब्लॉग्स में आपको दिखेगा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड विद दैट सेड गाइज आई एंड अप दिस व्लॉग। If you guys are new to this channel, please consider subscribing and don't forget to press the bell icon so that you get instant notification whenever I upload a new video. With that said, I'll see you guys in the next vlog. Until then, bye-bye and take care.